आशीष देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें लिखी गई। आशीष दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी आशीष। मेरा सवाल आशीष दीक्षित से, आशीष ये जरा बताइए, देखिए इस चिट्ठी में कई खास बातें लिखी गई। ये लिखा गया कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ना चाहती, जिसके संकेत कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे। ये भी कहा गया कि वो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार भी चाहते हैं, ये भी बात सामने है। लेकिन एनसीपी की ओर से शिवसेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये भी एक प्रमुख बात चिट्ठी में लिखी गई, इसके क्या मायने? जी साफ तौर पर एक नहीं तो बल्कि कई ऐसे उदाहरण हैं जब एनसीपी की तरफ से शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो नेता हैं, इन्हें स्थानिक लेवल पर एनसीपी में प्रवेश दिलाया गया, एक नहीं कई बार दिलाया गया, जिसके बाद अजीत पवार तक ये बात पहुंची जो मुख्यमंत्री हैं, और नाराज़गी उद्धव ठाकरे ने जाहिर की अजीत पवार के सामने, उसके बाद उन्हें फिर वापस शिवसेना में भेजा गया। ये बात साफ है कि एनसीपी में कई सारे शिवसेना के जो नेता हैं वो जा रहे हैं। लेकिन चिट्ठी में एक जो दूसरी लाइन लिखी है वो ये लिखी गई है कि केंद्रीय जांच एजेंसीज है, ईडी है, एनआईए है, ये प्रताप सरनाइक के परिवार को काफ़ी ज़्यादा हरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और बीजेपी के साथ अगर गठबंधन होता है तो ये परेशानी कम हो जाएगी। जाहिर तौर पर कांग्रेस और एनसीपी के जो नेता है वो इसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं। अर्पिता, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जांच एजेंसियों के द्वारा शिवसेना के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इसी वजह से यह पत्र लिखा है। लेकिन पत्र में दूसरा पार्ट, पत्र का जो दूसरा भाग है वो साफ तौर पर यह है कि एनसीपी और कांग्रेस का पहले दिन से ये कहना था कि हम अकेले लड़ेंगे, ऐसे में शिवसेना को अपना एक स्टैंड लेना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा ये लेटर जो है ये 9 जून को लिखा गया है और सीएम के ऑफिस में 10 जून को ये लेटर रिसीव हुआ है। आज करीब 11 दिन के बाद शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है। हालांकि आज शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ने यह कहा है कि पार्टी पूरी तरीके से प्रताप सरनाइक के साथ खड़ी है। आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि प्रताप सरनाइक ने अपने साथ अनिल परब और रविंद्र वाइकर तक का नाम लिया कि उन्हें भी इस तरीके की परेशानी जो है वो जांच एजेंसियों के द्वारा दी जा रही है। लेकिन जब हमने उनसे आशीष, एनसीपी नेता मजिद मेमन के मुताबिक ये उद्धव सरकार सरनाइक के पत्र को गंभीरता से नहीं लेगी क्योंकि ये एक विधायक का निजी विचार है। मुझे लगता है ये एक विधायक का व्यक्तिगत का विचार है, सुझाव है, और जिसमें कोई खास सच्चाई नजर इस प्रति किसी किस्म की सद्भावना नहीं है। यानी आशीष सिंह, एनसीपी की तरफ से तो बयान सामने आ गया, क्या शिवसेना की तरफ से कोई बयान सामने आया या बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया हो? जिस पूरे मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस कल एक समारोह में पहुंचे थे, जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई जो शिवसेना के नेता हैं वो चाहते हैं कि एक बार फिर से युति हो, एक बार फिर से जो है सेना और बीजेपी साथ में आए, और उसी के तहत जो है निजी विचारों के तौर पे ही सही प्रताप सरनाइक ने ये बात कही है। लिहाजा ये पत्र जो है उनके एक विधायक द्वारा उनके प्रमुख नेता को दिया गया है। ऐसे में पार्टी को, शिवसेना को ये फैसला लेना है कि आखिर उन्हें क्या करना है, उन्हें कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहना है या फिर जो है वापस युति की तरफ बढ़ना है। साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बात कही थी कि बहुमत होने के बावजूद भी एक वो जो है सरकार नहीं बना सके क्योंकि जो कहीं ना कहीं जरूरी बहुमत था वो उन्हें पूरा नहीं मिल पाया था, लिहाजा बड़ी पार्टी होने पर भी वो सरकार नहीं बना पाए थे। ऐसे में अगर सेना साथ में आती है तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर जो बातें, एक निजी लेटर आता है विधायक का प्रताप सरनाइक का, और फिर उसके बाद अप्रत्यक्ष तौर पर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस एनसीपी की भूमिका को लेकर। आशीष रहिए जरा साथ इस पूरे मामले पर, देखिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कहा, वो भी जरा आपको सुनवा दें। शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक को अभी जेल के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, आरोप ईडी और सीबीआई और पुलिस और कोर्ट पे कर रहे हैं। एनएसएल का घोटाला किया, एमएमआरडीए का घोटाला किया,
प्रताप सरनाई को जेल में जाना ही होगा। अनिल परब की भी यही अवस्था होने वाली है, समुद्र के किनारे पे रिसोर्ट बांधते हो, रिसोर्ट भी टूटेगा, अनिल परब भी जेल में जाएंगे। उद्धव ठाकरे की ये माफिया सेना की दयनीय अवस्था है। घोटाले करते समय आपको तपास यंत्रणा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की याद नहीं आई थी? और बड़ी खबर आ रही है इस बीच दिल्ली से। दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बैठक हो रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी इन दोनों की मुंबई में बैठक हुई थी, जिसको लेकर भी कई चीजें सामने आ रही थी कि आखिरकार ये क्या आगे की रणनीति तय करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एनसीपी नेता शरद पवार और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ये बैठक हो रही है। कुछ दिन पहले मुंबई में बैठक और उसके बाद आज दिल्ली में दोनों लोग मिले हैं, एनसीपी नेता शरद पवार और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। ये मुलाकात दिल्ली में इस वक्त चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर एनसीपी नेता शरद पवार और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बैठक हो रही है। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, ये बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच ये बैठक शुरू हो गई है। और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और करीब 3 घंटे तक बातचीत चली थी। तो ऐसे में माना जाना चाहिए कि भविष्य में अगर किसी तरह का एक फ्रंट तैयार होता है तो उसमें प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के तौर पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और शरद पवार की भूमिका तो हो गई ही उस फ्रंट में। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसी बैठकें हो सकती हैं जो विपक्ष को एकजुट करने की कवायद के तौर पे जिसे देखा जा सकता है। और प्रशांत किशोर का यह मानना रहा है कि तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो एकजुट हों तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को टक्कर दिया जा सकता है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज के डेट में थोड़ी कमजोर है मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे। तो ऐसे में अगर तीसरा मोर्चा या तीसरा फ्रंट, कोई भी तीसरा विकल्प अगर मजबूत होता है तो उसमें प्रशांत किशोर की अहम भूमिका होगी। और दिल्ली में बैठक का एक साफ मतलब यह है कि यहाँ से शरद पवार और एक खास संदेश देना चाहते हैं भविष्य के लिए कि आने वाले वक्त में कोई एक तीसरा विकल्प बन सकता है। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब शरद पवार ने मीडिया के लोगों से बातचीत की थी, मुखातिब हुए थे, तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया था कि क्या तीसरा विकल्प हो सकता है, तो उनका जवाब यही था कि देखिए, बार बार उनके सहयोग यानी जो विभिन्न पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि एक तीसरा विकल्प होना चाहिए, दूसरे की तरफ से कहा जाता है। शरद पवार इस पे स्पष्ट राय नहीं रखते और यूपीए चेयर पर्सन को लेकर भी उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है और न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी उन्होंने, जिसमें कहा था कि वो इस पद को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तीसरा विकल्प अगर बनता है तो उसकी संभावना से उन्होंने इनकार भी नहीं किया था। और आज जो प्रशांत किशोर के साथ बैठक हो रही है, इस बैठक में आने वाले वक्त की रणनीति जरूर तय होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जरूर है, लेकिन देश भर में कैसे बाकी पार्टियों को एकजुट किया जा सकता है इस पे भी चर्चा होगी। बिल्कुल नीरज, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।